मेरे वेरी वेरी दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर गेम। आज हम लोग दोबारा से खेलने वाले हैं पैल वर्ल्ड। लास्ट वाली वीडियो में तुम्हें याद होगा कि हमने बहुत सारे पावरफुल बॉस पोकेमॉन से फाइट करी थी एंड बिना मरे उन सब को पकड़ा था, बट अभी भी हम इतने ज्यादा पावरफुल नहीं हुए हैं कि गेम के और नेक्स्ट लेवल बॉस पोकेमॉन से फाइट कर सके। इसीलिए आज हम दोबारा से जाएंगे, कुछ बॉस पोकेमॉन से फाइट करेंगे बट एक नए रास्ते पर निकल के। मतलब मैप बहुत बड़ा है एंड मैंने उसका 25% भी एक्सप्लोर नहीं करा है, आई थिंक सो। तो हम और ज्यादा मैप एक्सप्लोर करने निकलेंगे आज, और हो सकता है मैं रास्ते में कुछ बॉस पोकेमॉन्स मिले। अगर 50 लेवल का भी होता है तो भी मैं उसे नहीं छोड़ूंगा, मैं सीधा उससे फाइट करने वाला हूँ। इस गेम में गन भी है, तो अगर मेरे पास गन होगी तो ठाए करके मार देंगे एक बार में, बंदा खत्म। शायद पता नहीं कितनी ज्यादा पावरफुल है इसमें गन, बट या हम लोग बनाएंगे और बहुत ज्यादा मजा आने वाला है आज के एपिसोड में भी, आई थिंक सो। तुम्हें ये वाला वीडियो भी जरूर पसंद आएगा, तो एंड तक जरूर देखना अगर तुमने क्लिक करा इस वीडियो पे प्लीज। तो लाइक और सब्सक्राइब का कुछ नहीं बोलूंगा, अगर तुम्हारा मन करता, तुम्हें सही में वीडियो अच्छी लगती, कॉन्टेंट अच्छा लगता है, तुम खुद कर देना, बाकी ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, चलते इस वीडियो की तरफ। वंस अगेन वेलकम बैक टू द पैल वर्ल्ड। और फर्स्ट ऑफ ऑल तुम्हें एक बार फिर से मैं बेस दिखाना चाहूंगा और इसको थोड़ा सा मैं अपग्रेड भी करूंगा। एंड या वो है वो मशीन जो शायद मैंने लास्ट वीडियो में ही बना दी थी, जिससे हम 3-4 पोकेमॉन्स को एक साथ कंबाइन कर सकते हैं। जैसे देखो, मैं ऐसे एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, अगर मैं नाइटविंग यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है, तो मुझे और नाइटविंग ढूंढने पड़ेंगे एंड मैं उनको कंबाइन कर सकता हूँ। फिलहाल मेरे पास एक ही है, तो उनको कंबाइन करके मैं एक नाइटविंग को बहुत ज़्यादा पावरफुल कर सकता हूँ। मतलब उन दो नाइटविंग की पावर एक नाइटविंग में आ जाएगी, तो वो भी बहुत सही चीज़ है। एंड या लास्ट टाइम अपन ने 3 एग छोड़ के गए थे यहाँ पे, और कुछ ब्रीडिंग भी मुझे करनी है तो ब्रीडिंग भी कर लेंगे। बाकी मैंने अपने पैल्स के लिए न्यू बेड बनाया है, ये वाला थोड़ा सा फ्लफी सा है, काफी प्यारा सा, एकदम फ्लफी नहीं बट या अच्छा है। और मेरे पोकेमॉन्स मस्त माइनिंग कर रहे हैं। ये अपना लास्ट टाइम अपन ने ये बॉस पोकेमॉन पकड़ के लाया था, एज़ीरो अपने पास था पहले से, रेप्टायरोक्रिस और डिक्टॉइस, लिटरली बहुत सही है माइनिंग में। ये मैंने उठा लिया है, नहीं तो मैं तुम बोलोगे 18 माइन करें इतनी देर से इन्होंने, वो सही है। और ये स्वीपर तुम्हें याद होगा हमें अंडे से निकला था भाई, ये कूलर पे ही बैठा हुआ है क्या? अच्छा कूलर इधर है, मैं ढूंढ रहा था भाई कूलर कहाँ गया। ओके सो ये किसको ठंडक कर रहा है? अच्छा ये खाना खाने गया शायद, नहीं कहीं तो गया, सोने गया क्या? पता नहीं कहीं तो गया होगा। बाकी अपना एयर सॉक्स ये भी बहुत ज्यादा ओवर पावर्ड है। पहले मैं सोच रहा था तुम्हें दिखा दूं एक बार सब चीजें, पहले हम जरा सो के आते हैं क्योंकि रात हो रही है। ये अपना ये रहा अपना वेपन वर्क में, तो यहाँ पे मैं हैंडगन बना सकता हूँ जो कि 250 का डैमेज देगी, बट मुझे मेकशिफ्ट हैंडगन बनाना है जो यूज करेगी, इसमें कोर्स एमो लगती है, ठीक है। तो कोर्स एमो मेरे पे है, रखी है, ये लगी शायद हैंडगन, नहीं ये कोर्स एमो लगती है जो कि मेरे पास पड़ी है, नीचे पड़ी होगी। फिलहाल सोते हैं यार, सुबह करते हैं उसके बाद चलेंगे। बाकी मैंने लाइट थोड़ी सी हटा दी है, नहीं तो मेरे जो फायर पोकेमॉन्स है ना वो उनको इग्नाइट करने में लगे थे, दूसरा काम ही नहीं करते थे। एंड मैंने अपने बेस पे भी अभी सिर्फ 9 पोकेमॉन्स छोड़ रखे हैं, क्योंकि अगर मैं ज़्यादा छोड़ता हूँ ना तो मेरे पास ये वाला बेड बनाने के लिए सामान नहीं है। इसको बनाने के लिए ना बहुत डिफिकल्ट चीज़ें लगती थी, क्योंकि ये वेपन असेंबली लाइन है जिसके लिए मुझे नेल्स चाहिए, जो कि बन जाएंगे, इसके लिए भी नेल्स चाहिए भाई, सब चीज़ें अपने पास यार। और मैं वो बेड दिखा रहा था तुम्हें, ये देखो फ्लफी बेड, ये फाइबर नहीं मिलता मुझे जल्दी और नेल्स भी चाहिए होते हैं इसके लिए, बट फिलहाल के लिए जितनी चीज़ें हैं वो काफ़ी हैं अपने लिए। या सो सबसे पहले ये लार्ज स्कॉचिंग एग करते हैं अपन, जिसके अंदर से किचन निकला है, जो अपन ने लास्ट टाइम ब्रीडिंग फार्म से निकाले थे, छोड़ के गए थे अंडा इंक्यूबेट करने के लिए। और ये ह्यूज ये ह्यूज वाला है ना, ये लार्ज है, ठीक है, ह्यूज वाले को लास्ट में ओपन करेंगे, थोड़ा एक्साइटमेंट रहती है ना यार। ओके एक और बीकन निकला है इसमें से, जो कि बहुत अच्छी बात है, बीकन सच में मेरा बहुत ज़्यादा पावरफुल पोकेमॉन है। इससे निकला है अपने ग्रिस बोल्ट, लेट्स गो। ओके तब तक मैं एक काम कर देता हूँ, अपने को एक फ्लेरिस चाहिए होगी, सो वो भी बहुत ज़्यादा पावरफुल है भाई। अब भी अंडे में से निकले हैं, तुम बिलीव करोगे? अब भी निकले हैं ये अंडे में से, लेवल 10। अच्छा मेरे पास आए थे इसलिए इनकी वो बढ़ गई एक्सपी, क्योंकि ये सब काम कर रहे हैं तो इसकी एक्सपी मुझे मिलती है। ओके सो मुझे चाहिए होगा ग्रिस बोल्ट और रिलैक्सोरस जो भी है ठीक है। हाँ सो ये रहा अपना रिलैक्सोरस, इसको मैं यहाँ पर ड्रॉप कर देता हूँ। और पैल बेड में यहाँ से एक पोकेमॉन हटाना पड़ेगा पता है मुझे, जो कि जिसकी ज़्यादा मुझे नीड नहीं है। एयरसॉक्स अभी मैं अपने पास रख लेता हूँ, एयरसॉक्स बाद में लेके चलेंगे। और अभी कहाँ गया वो ग्रिस बोल्ट है? लो ग्रिस बोल्ट किधर गया? हाँ ये रहा। ओके सो ये ग्रिस बोल्ट यहाँ पे रख देते हैं अपन। अब ग्रिस बोल्ट उठाता हूँ मैं भाई, ओए रुक जा, ये क्या करने जा रहा है? लॉगिंग, वो ये लकड़ी तोड़ता है। ओके कितनी फास्ट, अरे वाह वाह, इधर आ ओए भैया, इधर आ,
बेवकूफ भाई साहब, वो उसमें फिट भी नहीं आ रहा। अच्छा मैं इनके लिए ना एक प्रॉपर हॉट स्प्रिंग बनाने वाला हूँ, एक नई। तो ओके ये यहाँ पे डाल देता हूँ मैं। अरे ठीक है, मैं थ्रो कर देता हूँ, अपने आप असाइन हो जाएगा शायद। या ब्रीडिंग फार्म में लग चुका है ये। अब मुझे लाना है रिलैक्सोसॉर, जो कि अभी फिलहाल तो ट्रांसपोर्टिंग का काम कर रहा है। बेरीज लेके आ रहा ना ये भाई, कहाँ मत जाइयो। अच्छा रुको, इसको बेरीज रखने से पहले अब ऑलराइट सर, रिलैक्सोसॉरस और ग्रिस बोल्ट अगर मैं रखता हूँ तो शायद से, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो मुझे ओजर्क मिल सकता है या तो। वो बहुत ज़्यादा ओवर पावर्ड इलेक्ट्रिक पोकेमॉन है। तो या इन्होंने ब्रीडिंग चालू कर दी है, मेरे पास केक भी रखा है। केक मैं लास्ट में लाके डाल दूंगा जब एकदम इन लोग की ब्रीडिंग कंप्लीट हो जाएगी। तब तक अपन चलते हैं सीधा। भाई ये क्या कर रहा है, स्लैकिंग ऑफ। ठीक है भाई रन दे। ओके हाँ, तब तक अपन सीधा चलते हैं वहाँ पे। ये मैं ले लेता हूँ बिकॉज अपने खाने के काम आएगी। ये भी रख लेता हूँ क्योंकि ये लोग तो बना ही रहे ना। वो कहाँ गया स्वीपा। मुझे यहाँ पे बढ़िया से अपने पोकेमॉन्स लेने होंगे तो बाय लेवल यहाँ पे सॉर्ट कर देते हैं हम लोग। वैन विम मुझे चाहिए होगा। अच्छा वैन विम पता है मुझे एनुबिस के साथ भी ब्रीड कराना है ताकि मुझे फिलेरिस मिल सके। ये भी ले लेते हैं फैंग्लोब। इसकी सैडल बनती तो बनती होगी तो मैं अभी बना लेता हूँ। बाकी देखो, एक अपने फायर टाइप ले लिया है, एक ग्राउंड टाइप है। फैंग्लोब भी बहुत सही है। और क्या लिया जाए, बीकन भी ले लेता हूँ मैं। बीकन इलेक्ट्रिक टाइप बहुत ही प्यारा पोकेमॉन हो जाएगा। ठीक है मैं रॉबिन को ले लेता हूँ। ओके ठीक है चलो, कोई दिक्कत नहीं है, और रॉबिन को ले लेते हैं। अब चलो जरा इस पे आओ और देखते हैं कि अपन बना सकते हैं अभी इनकी सैडल्स या फिर नहीं। देखो रे हाउंड की अभी सैडल मुझे बनानी नहीं है, वैन वैम की बनानी। तो क्या कम पड़ रहा है, फाइबर कम है, लेदर कम है। अभी लेकर आ जाऊंगा मैं। और फैंग्लोब सैडल लेट्स गो, इसको बनाने के लिए सामान जो चाहिए लेदर फाइबर मैं अभी लेकर आया ब्रो। बट आर्मर बनाने के लिए मुझे क्या ओके वो तो हाई क्वालिटी वर्कमैन चाहिए ना। हाई क्वालिटी वर्कमैन चाहिए तो अपने पास जा। तो ये है कोल्ड रेजिस्टेंस मेटल आर्मर और ये है कोल्ड रेजिस्टेंस ये वाला आर्मर। ठीक है तो ये बनाने को एक ही बन सकता है ना। ठीक है क्या कम पड़ेगा मुझे, फिर लेदर वगैरह लानी पड़ेगी यार बहुत सारी। ठीक है मैं तो भाई मेहनत नहीं कर रहा, एक काम करते जब तक मैं वो लेकर आता हूँ लेदर वगैरह बाकी के, मैं एनुबिस को छोड़ देता हूँ यहाँ पर किसकी जगह पे। क्वालिटी वर्क बेंच पे इसको असाइन कर देते हैं ये बढ़िया से अपना या ठीक है। ये जब तक बना रहा है अपन जाकर आ जाते हैं। क्या हो गया सर, ये सोता रहे भाई। ऑलराइट, अरे कहाँ जा रहे हो, वाह। यहाँ पे डाल देते हैं केक, ये इन्होंने खा लिया। और अंडा कौन सा दिया बस ये बताओ, ह्यूज ड्रैगन एग, लेट्स गो। ठीक है अब यहाँ से रिलैक्सोसॉरस को हटा लेते हैं क्योंकि रिलैक्सोसॉरस की अभी मुझे ज़रूरत नहीं है। तो अब इसके अंदर से जो पोकेमॉन निकलेगा वो और बढ़िया होगा। अब रिलैक्सोसॉरस को एक काम करते हैं, रिलैक्सोसॉरस को हटा ही देते हैं क्योंकि अभी उसका काम है नहीं मुझे। तो अब ये जो ह्यूज ड्रैगन एग मिला है हमें, इसको मैं यहाँ पर डाल देता हूँ क्योंकि यहाँ पर गर्मी बढ़िया है। इनक्यूबेशन स्पीड 50% है। अगर मैं और आग लगा देता हूँ यहाँ पर तो बढ़िया हो जाएगा। मैं करूं भी क्या, इसको जाना भी वहीं से। ये देखो ये, अरे क्या बात है, मर जाओ ऐसी। अच्छा एक काम कर देते हैं यार, ये हॉट स्प्रिंग मुझे तोड़नी है भाई। एक मिनट ना, सॉरी रुक जा, तुम्हारे लिए एकदम बढ़िया वाली हॉट स्प्रिंग बनाता हूँ मैं। बट उसके लिए सही सी जगह भी देखनी पड़ेगी एकदम यहाँ पे बना। रुको ओके, आउटसाइड हो जा रहा है। ठीक है ओके, एनुबिस मेरा आ जाएगा। आठ मिनट लग रहे हैं। ठीक है एनुबिस के आने के बाद कितना टाइम लगेगा ये देखना है मुझे अभी। 8 मिनट भाई, कितना ज़्यादा तेज है। एक होता है तेज, एक होता है बहुत ज़्यादा तेज। ठीक है ये बना देगा अपना बंदा, मैं चलता हूँ लेदर वगैरह लेके आता हूँ। भाई बहुत तेज है, बहुत तेज बंदा है ये। ठीक है अपना एनुबिस बना लेगा। 2 रातें हो गई हैं, अपन ने ज़्यादा कुछ तो किया नहीं है फिलहाल अभी तक। तो मैं ये भी आर्मर ले लेता हूँ क्योंकि अब अपन हीट वाली जगह पे जाएंगे तो ये वाला आर्मर पहनेंगे, और कोल्ड वाली जगह पे जाएंगे तो ये वाला। और ये कॉमन शील्ड है तो इसकी जगह भी मेगा शील्ड वगैरह बना लूंगा। बट फिलहाल मैं अपनी इन्वेंट्री खाली कर लेता हूँ ज़रा सा। ओके यहाँ पे पूरा भरा हुआ है। ओ मैं बॉस पोकेमॉन के रीजन पे आ चुका हूँ, चलो फिर मारी दो। अच्छा ये मेरे को गन ट्राई करनी थी। बस बस बहुत है। ओए भाई, एक गन ने इतना डैमेज दे दिया मेरे, मैं क्या बताऊं। एंड फर्स्ट टाइम में क्या थी। ठीक है ओके, 2 लेदर मिल चुकी। ऑल राइट। सो अब एक और सिलेट का पैदा होने का वेट तो मैं कर नहीं सकता। तो एक काम करते हैं, अपने पास जब तक ये है यही ठीक है। अब आए हैं तो मैं सोच रहा हूँ कि हो ही जाए दो दो हाथ, क्या कहते हो। मैं वैन विम को पूरे तो मरने नहीं दूंगा बट
देखा जाएगा, चलो जा भाई मैम, आई ट्रस्ट यू बड़ी। मस्केट लेकर रखो भाई, किसको मार रहा है? हाँ बहुत बढ़िया, मुझे ही मार भाई। रिलोडिंग स्पीड तो बहुत भाई, 67 का डैमेज हुआ है सिर्फ, और क्या बोलूँ मैं। कहाँ लड़ रहा है? इधर है, वापस जा। अब पता चला किसको मारना है, हाँ उसे। ना हुआ डैमेज, हुआ भाई डैमेज हुआ, मुझे दूर रहना है भाई। हाँ ओके ओके, डैमेज हुआ नाइस। ठीक है मैं बुलाऊंगा नहीं, वैनविम को नहीं बुलाऊंगा, वैनविम की एचपी मैं देखता रहूँगा अच्छे से। 19 भाई, डैमेज है। रिलोड कर लेता हूँ मैं। ओ भाई भाई, 41 का डैमेज है भाई। एक तो इसकी एचपी बहुत, 4000 के अराउंड है ना यार। भाई गड़बड़ तो नहीं कर रहा हूँ मैं इससे लड़के, फिर भी उसकी 1000 के ऊपर एचपी हमने कम कर दी यार। आई ट्रस्ट माई पोकेमॉन्स। 32 लेवल का है भाई, 32 वर्सेस 38। ओह शिट, मेरी शील्ड तोड़ दी। ओके 1600 एचपी होके मैं ध्यान दिया भाई, इससे बेटर क्रॉसबो है भाई। एक बार मेरी लोड होती है, 21 का डैमेज कर रही है। वैन में फुल हेल्थ है ना, जाना बच्चे फिर। नाइस नाइस नाइस, लेट्स ट्राई। ओके नहीं आएगा इसमें, मुझे पता था। तो ये मस्केट किसी काम की नहीं लगी मुझे, आधा घंटा इसको मैं रिलोड करूँगा ना। ओ वापस आओ, तुम लोग मार दोगे पूरा फैंगलोप। मैं भाग नहीं पा रहा, एक तो फैंगलोप कमन, अरे किधर गया। हाँ ओके, फर्स्ट ट्राई है मेरा। आजा। 7% भाई यार। ओ ओ ओ ओ, लेट्स गो भाई। भाई साहब क्या पकड़ा है हमने। ओ ओके, 24 गीगा 10 मेगा। ओके भाई साहब, मेमोरेस्ट, लेट्स गो। ओके मेरा लेवल 33 है बस, लेट्स गो भाई, मेमोरेस्ट पकड़ लिया हमने। आज तक जिससे मैं डरता आ रहा था, मैं वो पोकेमोन पकड़ चुको, बिलीव भी नहीं हो रहा मुझे। तो जब भी अपने पास कोई नया पोकेमोन आता है गाइस, अपन क्या करते हैं, उनको चेक। भले मैं गलत पोकेमोन के सामने था, ठीक है उतारा तो गलत पोकेमोन के सामने था, देखो झूठ नहीं। ठीक है इसको भी मार दिया, नाइस। ऑलराइट लेट्स गो। सो ये बन चुकी है, वापस आ। पहले हम जरा कहीं चलेंगे। ओ रुको, मेरे को बहुत टाइम हो गया, तो मेरा अंडा भी हैच हो गया होगा। ओके ये बाद में हैच करेंगे, पहले ये देखते हैं। लेट्स गो। तो इससे मुझे भाई, मैंने तुम्हें क्या बोला, टॉम्बैट ही निकलने वाला, राइट? टॉम्बैट ही निकला, इससे हमें मिला है ओजर्क। अब ओजर्क को हमें ब्रीड करना है ग्रिसबोल्ट के साथ, और हमें मिलेगा जहाँ तक मुझे याद है एस्टागॉन, वो भी बहुत पावरफुल पोकेमोन है। अभी तो स्टार्ट हुआ यार अपना, और इतने में ही हमने लाइक इतने पावरफुल पोकेमोन पकड़ लिए हैं। ठीक है ओजर्क भैया, इधर अभी आपका काम नहीं है। कहाँ भाई, क्या तेज भागता है। एंड ये ना गाइस बहुत ज्यादा पावरफुल इलेक्ट्रिक टाइप पोकेमोन है। हाँ बहुत ही ज्यादा पावरफुल इलेक्ट्रिक टाइप पोकेमोन है, तो इसे मतलब मैं क्या कहना चाह रहा था, हाँ इसे और ज़्यादा पावरफुल करने के लिए हमें इसको साथ में लेके घूमना पड़ेगा। बट अभी मैं इसे साथ में लेके नहीं घूम सकता, नेक्स्ट टाइम तक जब अपन आए तो शायद ये प्रॉपर हो जाए। एक थर्ड ईयर यहाँ क्या कर रहा है, चला हुए साथ में आ। वो इतनी लकड़ियों की जरूरत नहीं पड़ती ज़्यादा मुझे, पड़ेगी तो देख लेंगे। आज जाके ब्रीड करा उसके साथ। अरे एक मिनट, बट मैंने ये तो देखा ही नहीं, मेल है फीमेल है। गड़बड़ हो गई गाइस, ऐसा वेख और ओजर किसी होगा मुझे अब। चलो इन्होंने ब्रीडिंग शुरू कर दी, केक मैं बाद में ला के डाल दूंगा, मेरे को केक की कमी पड़ने वाली है आई नो, पर चलो ठीक है। ओके अभी ज़रा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सीधा अपने को कहाँ जाना है। देखो मेमोरेस्ट वाला सीन इधर है, बट हमें जाना है इधर, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे वॉर सेक्ट है जिसे हमें डिफीट करना है। एल्फिड्रान भी बचा है, बट या वॉर सेक्ट भी तो लेवल 30 का है, ठीक है। गॉपिन के टॉप पे आ चुके हैं हम। यहाँ मेरा बहुत बेकार पोकेमॉन रहते हैं, ये देखो
बट या मुझे क्या, मुझे तो फैंगलो पे बैठना है और हम लोग सीधा निकलते हैं। या भाई फास्ट तो है भाई, बहुत तेज है। एक होता है फास्ट, एक होता है बहुत तेज। बहुत तेज है ये। ठीक है, डिसमाउंट होते हैं और इसको वापस बुलाते हैं। और यहाँ पे वॉरसेक्ट मुझे नहीं पता किस टाइप का पोकेमॉन है, तो लेट्स गो। मैं पूरी तैयारी के साथ आया हूँ। ओके, ग्राउंड और वो, ठीक है, लेट्स गो। ओके, हाँ डैमेज है भाई, 100 का डैमेज दिया है पहली बार में इसने। बहुत डैमेज है, लेट्स गो। आय 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 आय, किधर? हेलो। ओके, 50 का डैमेज, नाइस। वाह, हाँ मारियो। हेडशॉट भाई, हेडशॉट देने पे इतना कम डैमेज, और इससे ज्यादा क्या ही बोलूं मैं। खा जा रहे हो। ओके, डैमेज पड़ा, बट मेरे को दूर हट जाना चाहिए। वैन विम की जरा भी हेल्प नहीं कर पाया, वो कुछ भी खत्म। अब शायद कर दे। ओके, 48 का डैमेज, ठीक है, रहने दो। या डैमेज डैमेज, गुड। ओके, इसके बाद हम आगे चलेंगे। लड़ने दो भाई, वो अकेला लड़ लेगा, मैं आई ट्रस्ट हिम। लेट्स सी भाई, 136 का डैमेज ब्रो, ग्रेट ग्रेट। ठीक है, आजा, मेरा वैन में मार देगा, मेरे को खुद भरोसा नहीं मेरे वैन में पे मारने वारने में। मैं इसी में पकड़ूंगा भाई, फुल ट्राई करेंगे, लच्ची बाकी तो देखा जाएगा। चलो, गीगा स्फीयर फॉर द फर्स्ट टाइम वॉरसेक को पकड़ने के लिए। 27 का कैच रेट है, 59 आ गया। चला, वॉरसेक हुआ हमारा वापस। वैन में, सॉरी, गलती से बाहर निकाल दिया भैया आपको मैंने। ओके, हनी दिया है इसने, प्रीशियस परफ्यूम कुछ तो दिया है। ठीक है, बाहर निकलते हैं, लेट्स गो। एक और तगड़ा पोकेमॉन हुआ अपना। और मैं तुम्हें एक चीज दिखाऊं, बता रहा हूं, रुको। ये देखो, ओजर का लेवल 29 का हो चुका है भैया, 29 का। प्रीशियस फेरोशियस थंडर ड्रैगन है तो बहुत पावरफुल, बहुत ज्यादा। ओके, यहाँ पे मेगा स्फीयर पड़ी है, इसे उठा के निकलते हैं आगे। यार, ओजर्क ये अपना मेल हो गया, अब जो पैदा होगा वो काश फीमेल हो, फीमेल हो तो बहुत बढ़िया है। मुसांडा वगैरह से भिड़ना नहीं है, अब आगे देखते हैं कहाँ जाना है। ठीक है, वॉरसेक अपन ने हरा दिया, अब यहाँ पे है वेलेट, फिर इसके आगे यहाँ सीधा चलेंगे, कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा। वैसे हम इधर भी नहीं गए, इधर भी बहुत कुछ हो सकता है। चलो एक काम करते हैं, फैंगलो आओ, बेटा बैठाओ बैठाओ बैठाओ, बदतमीजी नहीं भाई, बहुत ज़्यादा तेज है यार ये। और तू भारा वैन विम को जान दे। हाँ, लेट्स गो। मारेगा मारेगा, बहुत गंदा मारेगा, लेवल 30 का है वो, मारेगा भाई। नहीं नहीं, गीगा तो नहीं, बिल्कुल नहीं, मेगा भी नहीं, नॉर्मल। वैन विम को डैमेज कर रहा है मेरे, तू है औकात है तेरी, क्या? हाँ, कैसे? ये इसकी हेल्थ कम थी क्या? ये कुछ तो हुआ, मेरे को कुछ नहीं समझा, कुछ हुआ है लेकिन समझा नहीं है। ऑल राइट, पूरे 40 मिनट्स के बाद इंक्यूबेशन कंप्लीट हो चुकी है। आई नो मैं पागल हूँ जो इतनी देर रुका। फिलहाल एक और ओजर्क मिला है हमें और लेवल 34 भी हो गया, वेरी गुड। बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, जो अभी ओजर्क निकला हो वो फीमेल होना चाहिए, नहीं तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी यार। ठीक है, ये अभी ओजर्क निकला है, ये भी मेल है भाई, और क्या किस्मत हो सकती है मेरी इतनी गंदी। ठीक है, तुम लोग एक बार फिर से ब्रीडिंग करो, एक और ओजर्क का हम लोग वेट करेंगे। ब्रीडिंग चालू है तुम्हारी, गुड। अच्छा, मुझे एक मोजरीना भी पकड़ के लानी पड़ेगी ताकि मुझे मिल्क मिल सके, और हनी के लिए मैं बी ग्रेड छोड़ देता हूँ यहाँ पे। यार किस्मत बेकार हो, इतनी भी ना हो, है ना यार। अरे यार, एक तो इसे अलग परेशानी होती है। ठीक है, ला। ओके, लड़ ओजर्क से अब। ओके, ओजर्क भेजा मैंने अपना पहली बार। व्हाट द हेल भाई, 18 लेवल का था यार, बच्चा थोड़ी था, एक शॉट में खत्म करा है।
एक शॉट में। भाई मैंने इतना हल्के में उजर को लिया नहीं है, बट ये हुआ क्या भाई? एकदम अनएक्सपेक्टेड। फिलहाल मैं यहाँ पे इसलिए आया हूँ ताकि मैं मोजरीना को ले जा सकूँ यहाँ से पकड़ के, क्योंकि वो मेरे लिए फार्म में रैंच में मतलब मिल्क प्रोड्यूस करेगी, क्योंकि जो कि हमें केक बनाने के लिए चाहिए। हनी की कोई दिक्कत नहीं है, हनी अपना एलिजा भी वगैरह ढूंढ लेंगी। यहाँ पर रिलैक्स हो रहा था, मैं भेज दूंगा भाई उसे। एक मारना, अरे शिट मिस्ड। ओके हाँ वो आ जाएगा ईजी। एक और मारना हेड। Okay. यही वाला बॉल फेंकते हैं, दो दो लेके चलते हैं, मिल्क ज़्यादा प्रोड्यूस हो जाएगा। ओह इसका भी डैमेज अच्छा दिख रहा है मुझे तो। एक और एक और एक और, गुड ठीक है, अभी आ जाना चाहिए। ओए हल्के में ले लिया मैंने, चलो ठीक है। ओ सर किसको तो तू संभाल लेगा भाई, अब देखना ठीक है। लास्ट में मैंने थोड़ा सा मिस करवा दिया था तुमसे, ये देखो इधर इधर ये बदतमीज से लड़ना तुझे, ना कि उधर जाके भाग के। ओके अब इसका अटैक देखना तुम, फिलहाल तो एक गले मिल रहा है भाई साहब। ओवर पावर्ड की भी लिमिट होती है। ओजर को जो हैच किया है मैंने, बेस्ट डिसीजन। ओके ये मेरी तीसरी ट्राई है ओजर को गेट करने की, एक और ओजर मिल चुका है हमें। अब इस बार मैं ट्राई नहीं करूँगा, इस बार मैं कुछ और ही करूँगा। ओके बुशी ये छोड़ के चला गया, केक खत्म हो गया इस, पता है मेरे पास। यार तू ये क्यों कर रहा है? रुक एक मिनट मैं ही निकाल ही देता हूँ, रुक कैंसिल। हाँ ये छोड़ तू, मैं जल जाऊँगा अभी। हाँ ओके सो ये अपन ले लेते हैं और ये यहाँ पर डालते हैं इन लोग के खाने के लिए। अच्छा वीट तो दो मेरे को, हाँ वीट हमारे खाने के लिए। ओके और वीट मैंने यहाँ डाल दी। डिकटॉइस गलत जगह माइनिंग कर रहा है बेटे। ओके इस बार उजर चेक करते कि मेल है या फीमेल है, बहुत ट्राई मार चुका हूँ मैं जब से। ठीक है सो फाइनली भाई साहब फीमेल, लेट्स गो। ओ सर कम ऑन, रुक रुक कहीं मत जा, बाद में कर लियो ट्रांसपोर्ट। इधर आके ब्रीड कर, क्योंकि अब तुम दोगे मुझे बहुत ही ओवर पावर्ड पोकेमॉन जो है एस्टरगॉन। वो माइनिंग में बहुत तगड़ा है और भाई वो हर चीज़ में बहुत तगड़ा है। फिलहाल ये लोग केक बनाते हैं तो ये बढ़िया रहेगा। सो या रात हो रही है, फिलहाल सो जाते हैं एंड उसके बाद चलेंगे अपने आगे के सफ़र पे, क्योंकि अभी तो भाई बहुत कुछ करना बाकी है। अभी तो अपने पास पावरफुल पोकेमॉन आना शुरू हुए हैं, लेकिन मैमोरीज को जितना इजीली मैंने डिफीट करा है ना, वो वाले जो सेकंड टाइम अपन जहाँ पे गए थे ना, फैंगलोप ने डिफीट नहीं, वैनविम ने ही डिफीट करा था, बट इतना इजीली कैसे ही कर सकता है कोई डिफीट। ठीक है सो आओ आगे चलते हैं। यार मैं सोच रहा हूँ वैलेट को डिफीट करके आ जाते हैं, क्या बोलते हो? मुझे लगता है इतना ज़्यादा पावरफुल होगा वो, देखने से तो लग रहा है कि वो होगा ग्रास टाइप पोकेमॉन है, बट देखते हैं यहाँ पे भी कुछ सही सा पोकेमॉन मिल जाए तो। नेचुरल ब्रिज का हमने अनलॉक करा था, हमें यहाँ से सीधा जाना है। 25% भी एक्सप्लोर नहीं करा हमने अभी, कुछ भी नहीं करा। वर्डेंट ब्रूक यहाँ आया हूँ मैं शायद। आई मेरा ओजर्क, ये देखो भाई इतना गंदा मारता है ना पैल डेविड्स को। ठीक है छोड़ो, हो गया, मर गया सब मर गया। जा ओए लेवल 45 का जॉर्मुंटाइड, मैं देख कर जाऊँगा एटलीस्ट। ओके इधर है सामने, इधर मैं देख के तो जाऊँगा भाई। क्या लोकेशन तो यहीं की है उसकी। ओए भाई साहब क्या चीज है ये, बट इसके आसपास कोई फास्ट ट्रैवल मिल जाए भाई। अभी भी नहीं दिखा मेरे को। ओ यहाँ पे और कोई बॉस पोकेमॉन है, मर जाएगा ये भाई, जर्रा भी डैमेज नहीं। ओ शिट भाई कुछ बोला नहीं उन्होंने मुझे। ठीक है यहाँ पे एक और बॉस पोकेमॉन है, बट वो है कौन सा? वर्डैश हो जाए, हो जाए, अब किसी से डर नहीं लगता मुझे। मेरे पास पोकेमॉन से ऐसे आ गए हैं भाई। ठीक है पहले ये वाला फास्ट ट्रैवल खोलो भाई, क्या पोकेमॉन दिख चुका है, बस इतना ये है कि वो मुझे मार देगा बहुत आसानी से। अंदर चलते हैं और सबसे पहले लड़ने भेजूंगा मैं टाइप के हिसाब से, जैसे कि इस टाइप को चाहिए हमारा वैनबर्म। अच्छा रुको मैमोरस की फाइट हमने अच्छे से नहीं कराई अभी तक। चलो गो मैमोरस, हाथ में मैं गन ले लेता हूँ। ओ डैमेज तो किया यार, 81 का डैमेज, गुड। मैमोरस की क्या एचपी का ही है उसने, अरे बहुत आसानी से मार देंगे इसे हम।
74 का डैमेज भाई। ये क्या था? वाह। अरे 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 बस शील्ड तोड़ दी मेरी। ओए, ओए मेरा मैमोरस आराम संभाल लेगा। अगर मैं उसके बाहर निकला तो गड़बड़ हो जाएगी। ओके ओ शिट। अरे नहीं। ओके 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 इजी इजी। अरे कैसे डैमेज कर रहा है ये भाई? मैं इतना छुप के लड़ रहा हूँ फिर भी डैमेज करे जा रहा है वो। पॉसिबल ही नहीं है। हेडशॉट मारते भाई 17 का डैमेज भाई। सीरियसली ब्रो ओके एक एक अटैक एनुबिस बस एक अटैक लास्ट बस बस बस। ओए इसमें नहीं आएगा ये पर मार देगा क्या पागल बच्चे। एचपी देख ले तेरी पहले कितनी है। ओके ओ शिट मेरी एचपी मेरे को पहले मेरी एचपी देखनी चाहिए थी। आ गया भाई लेट्स गो। ठीक है इजी 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 इजी। ठीक है भाई डैमेज तो बहुत गंदा कर दिया था मेरे को। ओके भाई देखो ना मेरी एचपी तो देखो भाई। अब इस हिसाब से तो मेरे को डर लग रहा है उससे फाइट करने में उस बंदे से जो बाहर देखा है हमने। क्या आदमी है वो आदमी क्या पोकेमोन है वो है तो बहुत खतरनाक बट मैं ट्राई जरूर करूंगा। ये रहा जर्मनटाइड। लेट्स गो। अभी मुझे लग रहा है कि मुझे घर वापस जाना चाहिए आसान आज नहीं करना चाहिए इतना सब क्योंकि बहुत कुछ कर दिया हमने। ओजर 3 हैच कर लिए अंडा अच्छा एक केक चाहिए था बस यार थैंक यू। हो गया तुम्हारा एक ओजर तो मैं अपने साथ लेके गया था। ब्रीडिंग हो गई तुम्हारी लेट्स गो नाइस। ठीक है सो अब एक काम करो ये पकड़ो अंडा। अच्छा ये भी ड्रैगन है क्या? ठीक है ये ले लिया हमने वापस। फिलहाल मैं ये अंडा डालता हूँ हैच होने के लिए जो कि अपन नेक्स्ट एपिसोड में ओपन करेंगे। और ये जो सामान है ये कलेक्ट करके चिक्की भी डाला है तो ये अंडा देना चाहिए राइट। हाँ ये इसने अंडा ही दिया है। चलो फिर ओके सो आई होप कि तुम्हें आज की वीडियो में मज़ा आया होगा। कैसी लगी वीडियो बताना कमेंट सेक्शन में। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। और तुमने पोजीशन चेंज कर ली अपनी ये उधर आ गया वो उधर चला गया बोले तू स्लो कर रहा है हट जा। ठीक है ओके सो उम्मीद है तुम्हें वीडियो अच्छी लगेगी। बाकी कैसी लगी बताना कमेंट सेक्शन में। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। टिकटॉक को थोड़ा आराम दे देते हैं। बाकी मैं मिलता हूँ तुम लोगों से बहुत जल्द एक नए गेम प्ले वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।